फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल अर्थ मॉम देहरादून में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट ज़रूर करें। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मेरे पास DM आ रहा था इंस्टा पे भी कि बहुत दिन से मैंने मैडम और जनाब के ऊपर कोई भी रिएक्शन वीडियोज़ नहीं बनाई है। सो दोस्तों, एक्चुअली इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सियाँ बैक टू बैक चल रही हैं और आप जानते हैं कि मैं मिक्स रिएक्शन चैनल रन करती हूँ, यानी कि मैं हर एक ब्लॉगर, हर एक कॉन्ट्रोवर्सी और हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करती हूँ। इसीलिए काफ़ी दिन से मैडम और जनाब के ऊपर मैं रिएक्शन नहीं लेके आ रही थी। बट येस, आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भेजी हैं और आप लोगों की हेल्प की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मुझे चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, आप सबको एक लेटेस्ट अपडेट बताती हूँ। आई एम श्योर कि आप में से मेरे से बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी अपडेटेड हैं, लेकिन फिर भी आप सबको एक अपडेट देती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने अभी जस्ट जनाब और मैडम की इंस्टा स्टोरी देखी। हालांकि मैं देखने में आजकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें इस समय पर चल रही हैं। तो मैडम और जनाब की जस्ट मैंने अभी स्टोरी देखी, अभी देखी इनफैक्ट, अभी अभी से आधे घंटे पहले मैंने मैडम और जनाब की स्टोरी देखी। तो मैंने देखा मैडम और जनाब प्रमोट कर रहे हैं टरा मैडम का चैनल। मैंने सोचा ये क्या हो गया, सोचा क्लिक करके देखती हूँ। जब क्लिक करके मैंने चैनल देखा, सच बताऊँ तो मैं, मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा हमेशा मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं वीडियो देखने से पहले ना सीधा कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ। जो भी रिएक्शन चैनल बनाते होंगे और जो भी कमेंट्स लिखते होंगे उन्हें पता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है ना वो कमेंट्स की तरफ जाता है और रिएक्शन वालों का बेसिकली जाता है, क्योंकि वहीं से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि पता चल जाता है कि एक्चुअली वीडियो के अंदर कैसा कॉन्टेंट दिखाया जा रहा है। फिर वीडियो तो हम लोग फुर्सत में कभी भी देख सकते हैं। तो मैं भी सीधा पॉज करके कमेंट सेक्शन में पढ़ने के लिए गई। तो कमेंट सेक्शन में जो वीडियो डली थी, यानी कि टरा मैडम ने इतनी मेहनत करके अपना फर्स्ट व्लॉग, अपनी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाली, लेकिन उसमें उनकी रेसिपी से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं है। और वहाँ पे धड़ाधड़ कमेंट जो आए हुए हैं वो आए हुए हैं कि मैं अलाना के चैनल से आया हूँ, मैं फलाना की स्टोरी से आया हूँ, मुझे इसने, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ। उन्होंने जो कॉन्टेंट अपनी वीडियो पर दिखाया, मुझे लगता है कि वो तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। वो उन्हें अपनी एनालिस्टिक चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि देखा कितने लोगों ने है, या बाकी सिर्फ ये हाजिरी देने आए थे कि हम इसके चैनल से आए हैं, हम उसके चैनल से आए हैं। तो अभी तक जब तक मैंने देखा था तो जनाब की इंस्टा स्टोरी से ऑलमोस्ट 425 लोगों के थम्स अप आए थे, जहाँ पे जिसने ये लिखा हुआ था कमेंट में कि जनाब की स्टोरी से कौन कौन आया है। तो वहाँ पे 425 के अराउंड थम्स अप थे और उसके बाद नीचे सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा रहे थे कि मैं भी जनाब की स्टोरी से आया हूँ, मैं भी जनाब की स्टोरी से आई हूँ। उसके बाद एक और की स्टोरी थी, वो थी फैजू की, जहाँ पे पूछा कि फैजू की स्टोरी से कौन कौन आया है। तो वहाँ भी काफ़ी लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगाई, लेकिन जनाब के मुकाबले उनकी गिनती कम थी, यानी कि 250 के आसपास के लोगों के थम्स अप थे। उसके बाद आती है हमारी मैडम। मैडम के नाम का ऐसा कहीं पे कुछ नहीं था कि मैडम की स्टोरी से कौन कौन आया, लेकिन यस, जो मैडम की स्टोरी से आया है वो भी नीचे अपनी अटेंडेंस लगा रहे थे। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि टरा मैडम ने इतनी मेहनत से अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई, उस वीडियो में किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ की भाग दौड़ लगी हुई थी, ये चीज़ का कॉम्पिटिशन लगा था कि किसकी स्टोरी से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं। मतलब इम्प्रेशन झाड़ने का मतलब आप समझ रहे हो, इम्प्रेस करने के लिए कहीं तक भी ये जाएंगे, कहीं तक भी जाएंगे कि किसकी स्टोरी से कितने लोग आए हैं। सिर्फ यही कंपटीशन उनकी कमेंट सेक्शन में चल रहा था। उनकी वीडियो की, उनकी व्लॉग को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली ऑर्गेनिक तरीके से आए होंगे। लेकिन जो अब आप समझ रहे हो ना कि ये अचानक से कैसी भीड़ लगी, और आप इस मामले में जानते ही हो कि जनाब और मैडम PR रखने में और ये कमेंट्स करवाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। खैर, इस गेम के पुराने खिलाड़ी हैं वो, PR वगैरह उनकी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हुई हैं फिलहाल, अपने चैनल के लिए नहीं, टरा मैडम के चैनल के लिए। और पहली बार किसी का मुझे लगता है फ्री में प्रमोशन कर दिया। फ्री में क्या प्रमोशन किया, आई भी तो थी ना इनके घर पर ईद में। अब सारे डॉट्स जो है ना वो कनेक्ट हो रहे हैं कि आखिर क्यों शो के अंदर इनको इतना ज़्यादा प्रेस करती थी टरा मैडम, फिर कैसे इतने सारे लोग सेट में थे उसके बावजूद इनके घर गई वो। तो अब सारे डॉट्स हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो अब पता चल रहा है, या तो हो सकता है कि ये ज्ञान, रेसिपी वाला ज्ञान इनको जनाब और मैडम ने ही प्रदान करा हो। आपको कुकिंग का शौक है तो आप यूट्यूब में आओ, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम ये करेंगे। तो वो इसीलिए इस खुशी में ही कि चलो मुझे सपोर्ट करने को मिल रहा है। अब इनका तो अपना सेल्फिशनेस था, इन्हें ये लग रहा होगा कि अगर
हम इनको प्रमोट करेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि इनकी किसी मूवी में हमारे जनाब को थोड़ा बहुत रोल मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो वाइस वर्सा चीज़ें चल रही कि मैं तुझे दूंगा तू मुझे दे। तो अब आप लोग भी बहुत अच्छे से सारे डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे वहाँ पर अचानक से टरा मैडम पहुँच गई। हम सोच रहे थे डाउन टू अर्थ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उन्होंने भी दिमाग लगाया कि बच्चू आऊँगी तो मैं ठीक है, लेकिन इसके बदले में लूँगी ज़रूर। तो उन्होंने इसके बदले लिया है जनाब और मैडम से एक अच्छा खासा प्रमोशन। और जनाब और मैडम इसीलिए ये दिखाने के लिए, जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स कि यस हमारी वजह से देखो कितनी ऑडियंस आई है। अरे तो उस ऑडियंस को ये भी तो होना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने कंटेंट डाला, कम से कम उनके कंटेंट की तो तारीफ कर दो। उन्होंने जो रेसिपी दिखाई, जो व्लॉग में बनाया वो दिखाया, वो उसकी तो कुछ बात करो। नहीं, सब के सब जितने भी PR वहाँ छोड़े हुए हैं, सब के सब बस यही लिख रहे, क्योंकि अगर कोई सब्सक्राइबर जाता है ना तो वो सब्सक्राइबर वीडियो देखता है पहले, वो देख के ये बताता है कि अच्छा मैम मैं यहाँ से आया हूँ, उसके बाद उनके कंटेंट की थोड़ी तारीफ़ करता है, उनके बारे में कुछ बात करता है। लेकिन वहाँ पे पहले ही ये लिख दिया गया कि जनाब के स्टोरी से कौन कौन आया है, ताकि जब टरा मैडम ये खोल के देखे तो उन्हें पता चले ओहो मतलब इसके इतने फॉलोवर्स हैं, तो आगे चल के भी इसके साथ रहना फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये कंपटीशन वहाँ पे चला हुआ है फैजू जनाब और मैडम के बीच में। उसके अलावा बात करते हैं साहिबा के बारे में। तो साहिबा के सोशल मीडिया पे भी चर्चे चल रहे हैं। उन साहिबा ने अभी जो लेटेस्ट इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो डाला है, उसका सबसे फर्स्ट कमेंट ही आप देख लेना, जो आई थिंक 2 दिन पुराना है, मेरे लिए अभी 2 दिन पुराना है, हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। वो ऑडियंस तो सब चीज़ में सबसे आगे होती है, कभी कभी हम ही पीछे हो जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला कॉमेंट आया है कि आपने सौरभ को क्यों निकाल दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ कौन है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सौरभ कौन है। तो अभी कुछ दिन पहले साहिबा ने अपने लिए एक मैनेजर रखा था, ये बोल के कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है, मेरे काम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए दोनों ने मिल के, मतलब फ़नी और साहिबा दोनों ने डिसाइड करके अपने लिए एक मैनेजर रख लिया था। मैनेजर तो रख लिया था, लेकिन उस मैनेजर को कुछ काम नहीं करने दिया, उस मैनेजर को काम कभी करने ही नहीं दिया, क्योंकि एडिटिंग के लिए फ़ोन इनके हाथ में रहता था। एंड जब उसने कुछ आइडियाज़ भी दिए, कुछ करने की कोशिश भी करी, कुछ क्रिएटिविटी करने की भी कोशिश करी, तो इन लोगों को रास नहीं आता। वो कहते हैं ना कि सबके अंदर परफेक्शनिस्ट का भूत चढ़ा है, सब सोचते हैं इनकी फैमिली में कि हमसे अच्छा कोई नहीं आपको सजेस्ट कर सकता, हम जो कर रहे हैं वो दी बेस्ट कर रहे हैं। और जब सामने वाला उन्हें कुछ सिखाने की या बताने की कोशिश करता है तो उन्हें शायद वो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो कमेंट सेक्शन में यही लिखा था और पूछ रहे थे लोग कि आपने सौरभ को क्यों निकाल दिया। आया ना दिमाग में भी आपके, जी हाँ सौरभ अब उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब सौरभ की इंस्टा मैंने चेकआउट करी, मैं भी उन्हें फॉलो करती हूँ, जब मैंने उनकी इंस्टा चेकआउट करी तो सौरभ भी इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही ये सौरभ को फॉलो कर रहे हैं। सौरभ सिर्फ एक इंसान को फॉलो कर रहा है, उनकी फॉलोइंग लिस्ट में सिर्फ एक अकाउंट है, उसके अलावा वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपना बायो भी पूरा चेंज कर लिया है इंस्टा का, जहाँ पे वो पहले ये लिखते थे कि मैं इन इनका मैनेजर हूँ, अब वो सब कुछ चेंज हो चुका है। इनफैक्ट उसकी बहुत सारी रील्स और पिक्चर्स भी जो है डिलीट हुई है अकाउंट से। लेकिन वो क्यों हुआ है ये सब अचानक से, ये समझ में नहीं आया। लेकिन अचानक से ये क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया। 8 अप्रैल का एक हाईलाइट पोस्ट उनकी इंस्टा पे आपको देखने को मिलेगा, 8 अप्रैल को उन्होंने वो डाला है, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि ड्यू टू सम इमरजेंसी आई एम लीविंग मुंबई, और वो मुंबई से चले गए हैं। मतलब 8 तारीख को उन्होंने ये हाईलाइट पोस्ट किया था, तो इसका मतलब जो सीन है ना वो काफ़ी दिन से चल रहा था, और ऑफिशियली उन्होंने 8 तारीख को अनाउंस किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। चलिए ठीक है, अगर इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी की वजह से भी मुंबई से जाना पड़ा तो एक दूसरे को अनफॉलो तो नहीं करना था। तो ये है मैडम और मैडम की फैमिली और साहिबा के प्रोफेशनल टर्म्स जो इनको ज्ञान में मिले हैं अपने भैया भाभी से ही, क्योंकि उनकी भी नहीं बनती खास तौर पर किसी से ना। एक्चुअली इन लोगों की बनती उनसे नहीं है, जो इन लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, इनसे बनानी है तो इनकी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाओ, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप अपना ज्ञान देने की कोशिश करते हो, इनको शायद वो ज्ञान हजम नहीं होता, इसीलिए मैडम और जनाब के भी कोई रिश्ते नहीं टिकते। और इस बार उसने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन प्रोफेशन रिलेशनशिप से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब आई हैव नो आइडिया कि ये रेस्टोरेंट तो खोल रहे हैं कैफ़े, उस कैफ़े में जब ये लोग एम्प्लॉयज़ रखेंगे या वहाँ पर मैन पावर रखेंगे, कैसे उन लोगों से डील करेंगे। ये तो फिर हर महीने उन्हें भगाते रहेंगे, एकमात्र मैनेजर को ये लोग संभाल नहीं पाए।
उस मैनेजर को ये संभाल नहीं पाई, क्योंकि वो बेचारा मैनेजर से कम इनको प्रेस करने वाला लग रहा था। मैनेजर का काम होता है आपका एडिटिंग देखना, आपका सोशल मीडिया हैंडल करना, आपके प्रमोशंस देखना, आपके कोलैब्स देखना, लेकिन ये मैनेजर का यूज़ करते थे कपड़े को हैंग करवाना, कपड़ों को प्रेस करवाना, कपड़ों को एक साथ पैर अप करना, ये मैनेजर का काम नहीं होता है। तो इन्होंने उस मैनेजर से ये वाले काम कराए जो कि हमने खुद व्लॉग में देखे हैं कि ये वो काम कराते थे अपने मैनेजर से। तो मैनेजर बेचारा अपना डेजिग्नेशन थोड़ी ख़राब करेगा, उसको आगे भी लोगों से काम करना है, औरों के भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैंडल करने हैं। अगर यही काम वो करता रह गया तो फिर तो उससे कोई सोशल मीडिया हैंडल ही नहीं कराएगा, फिर तो कहेगा कि हमारे कपड़ों को ढंग से लगाने के लिए आप आ जाओ, कपड़ों को कैसे सेट करते हैं उस चीज़ के लिए आप आ जाओ, कोलैब के कपड़ों की पैकेजिंग कैसे खोलनी है उसके लिए आप आ जाओ। तो ये सब काम हो रहा था मैनेजर से, यानी कि मैनेजर से ये सब काम करवाया जा रहा था। शायद इसी रीज़न की वजह से उन्हें काम नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया उन्हें एडिटिंग के लिए। इनकी एडिटिंग में कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आए मैनेजर के आने के बाद, क्योंकि इन्हें तब भी देखो ये यही बोलती है मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, कार में बैठे मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो फिर मैनेजर क्या कर रहे हैं? मैनेजर से मैनेजर वाला काम नहीं कराओगे तो वो बंदा भागेगा ही ना, और क्या करेगा। तो फिलहाल ये सिनेरियो चल रहा है इनका इनके घर पे, जहाँ पे इनके भैया भाभी फुल लॉन अभी भी इम्प्रेस करने में तुले हुए हैं टेरा मैडम को, कि बस जैसे तैसे करके इनको इम्प्रेस करना है, क्योंकि फिलहाल जनाब के पास अभी कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है, और हो सकता है कि इस प्रमोशन एक्टिविटी के दौरान उनको कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए। तो अब आप लोग भी बहुत बखूबी समझ गए होंगे कि क्यों ये पूरा का पूरा शो से लेकर यहाँ तक की जर्नी का सफ़र का असली प्रोपेगेंडा क्या था, इसके अंदर का असली राज क्या था। तो ये था आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई कंटेंट है रिलेटेड टू मैडम एंड जनाब और आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिएक्शन दूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज करूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, jyoti_dehradun_ इज़ माई इंस्टाग्राम ID। आप वहाँ पर आके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।